हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज के टाइम के अंदर जो हमारा लाइफस्टाइल है, टाइम बहुत कम है, तो उसके अंदर हमने कॉलेज जाना है या हमने जॉब पर जाना है तो हमें हल्का फुल्का मेकअप चाहिए होता है। हर इंसान चाहता है कि मैं थोड़ा सा मेकअप करके जाऊँ। उसके लिए लोग पहले फाउंडेशन यूज़ करते थे, आज भी जिनको नहीं पता वो फाउंडेशन यूज़ करते हैं। आज स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता। तो उसके लिए फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको इस भाग दौड़ की लाइफ के अंदर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्की सी क्रीम लगाएं और आपका मेकअप हो गया कंप्लीट। तो उसके लिए फ्रेंड्स, तीन चीज़ें जो हैं, बीबी, सीसी और फाउंडेशन, आज मैं आपको इन तीनों में अंतर बताने जा रही हूँ, ये तीनों चीज़ें है क्या। तो इस चीज़ को देखते हुए, टाइम की कमी को देखते हुए, जो बीबी क्रीम है सबसे बेटर है, क्योंकि बीबी क्रीम एक लाइट फॉर्मूला है जो फाउंडेशन का ही है। इसके अंदर फाउंडेशन तो होता है बिल्कुल हल्का। इसके अंदर आपको फ़ायदा क्या है, आपने कुछ नहीं करना। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, आपने बीबी क्रीम को उठाना है, हल्का सा लेना है ड्रॉप्स के हिसाब से, और आपका मेकअप हो गया क्लियर कंप्लीट। मतलब आपका मेकअप कंप्लीट, आपको और कुछ नहीं करना, बिंदी लिपस्टिक लगानी है और हल्की सी बीबी क्रीम लगानी है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड क्रीम है जिसकी लेयरिंग नहीं है, जो केकी नहीं करता चेहरे को, और चेहरे को बहुत ही अच्छा और फ्रेश भी रखता है। स्टे की बात करें जहाँ तक, तो स्टे भी 4-5-6 घंटे का स्टे भी रहता है। तो सेकेंड आ जाता है सीसी क्रीम। सीसी क्रीम जो है वो बीबी क्रीम से थोड़ी सी हैवी होती है, थोड़ी सी थिक भी होती है। उसके अंदर जो ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वाले हैं वो हल्का सा मॉइस्चराइजर उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, वरना नहीं भी जरूरत होती। लेकिन ज़्यादा ड्राई वालों को थोड़ा सा बिल्कुल करना पड़ेगा। ये जो है ये बीबी क्रीम से थोड़ी सी हैवी होती है। स्टे की बात करें तो स्टे भी, इसका भी स्टे इतना तो होता ही है। तो उसके बाद आया था फाउंडेशन, जो हमेशा हमेशा चली आ रहा है, और आज भी लोग फाउंडेशन में, जिनको नहीं पता वो फाउंडेशन ही लगाते हैं। लेकिन फाउंडेशन जो है वो एक बहुत ज़्यादा हैवी में आ जाता है, जिससे चेहरा आपका बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और बहुत इरिटेट होता है। सुबह से शाम तक अगर आपने जॉब करी तो आपका चेहरा बहुत आपको इरिटेट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ फाउंडेशन जो है वो आज के ज़माने में पार्टी फंक्शन में जाने के लिए रह गई है। तो अगर आपने पार्टी फंक्शन में जाना है तो उसके लिए आप फाउंडेशन का यूज़ ज़रूर करें, उसकी लेयरिंग भी करें, जो जो आपने चेहरे पे लगाना है लगाएं। क्योंकि एक पार्टी मेकअप में, पार्टी फंक्शन में अगर आपने जाना है तो वहाँ आप खाली बीबी क्रीम लगा के नहीं जा सकते। लेकिन बहुत से लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो पार्टी फंक्शन में भी बीबी क्रीम लगाना ही या सीसी क्रीम लगाना ही प्रेफर करते हैं। सीसी क्रीम को आप हल्का सा पाउडर से सेट कर सकते हैं, उसकी जो टाइम पीरियड होता है, जैसे उसका स्टे होता है, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और जो फाउंडेशन है वो तो है ही है, वो तो आपको पता ही है कि जैसे फाउंडेशन लगाते हैं, जैसे उसकी लेयरिंग होती है, जैसे उसको पार्टी फंक्शन में यूज़ किया जाता है। तो ये इन तीन चीज़ों में अंतर है। लेकिन आज के डेट में बीबी क्रीम का बहुत ज़्यादा चलन है, बहुत ज़्यादा, और मेरे हिसाब से, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपके चेहरे को नुकसान भी नहीं पहुँचाती, आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके लिए हैवी भी नहीं है। आपके चेहरे पे हैवीपन भी, बिल्कुल भारीपन जो होता है वो नहीं आता, केकी नहीं होती, आपके चेहरे को काला नहीं करती। तो आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बीबी क्रीम्स बताऊंगी भी, जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, जो टॉप की बीबी क्रीम है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं बेझिझक बेफिक्र, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ, मेरा अपना अनुभव भी है उसके साथ, कि मैं वही वीडियो देती हूँ जो मुझे खुद भी पसंद होती है। मैं वही प्रोडक्ट बताती हूँ जो मैं खुद अपने ऊपर आजमा चुकी होती हूँ। तो ये है आज की मेरी वीडियो, सिर्फ आपको ये बताना था कि इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। उम्मीद है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जिन लोगों को नहीं पता उनको भी ये बात पता चलेगी और उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपके पास मेरी हर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।